नमस्कार किसान भाइयों, कृषि भाई खेती समाचार में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है कृतिक और चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। तुअर में बढ़ा कीटों का प्रकोप, कृषि विभाग ने दी सलाह। सरकार ने बढ़ाया धान खरीद का समय। औषधीय खेती को मिलेगा बढ़ावा, सरकार ने रखा 4,000 करोड़ का बजट। संतरे की एमएसपी बढ़ी, किसानों को मिलेगा अच्छा दाम। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र में रबी सीजन में रुक रुक कर बारिश हो रही है, इससे फसलें खराब हो रही है। साथ ही कीटों का प्रकोप भी बढ़ रहा है। कभी धूप और कभी बारिश की वजह से तुअर में कीटों का प्रकोप बढ़ने से उत्पादन घट सकता है, जिसे देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है। विभाग ने फसल पर प्रोफोनेफोस या इमामेक्टिन का छिड़काव करने की सलाह दी है। कोहरे का असर टालने के लिए किसानों को इन दोनों के साथ कार्बोडाइजम मिलाकर छिड़काव करना होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने धान उत्पादक किसानों को बड़ी राहत दी है। धान की एमएसपी पर खरीद का समय 30 नवंबर से बढ़कर 15 दिसंबर कर दिया गया है। इच्छुक किसान अब 15 दिसंबर तक एमएसपी पर फसल बेच सकेंगे। सरकार किसानों से 1940 से 1960 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद रही है। किसानों को औषधीय पौधों की खेती की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 4,000 करोड़ का पैकेज घोषित किया है। इसके तहत सरकार आगामी कुछ वर्षों में देश में कम से कम 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को औषधीय खेती से कवर करना चाहती है। इससे किसानों को करीब 5,000 करोड़ तक का की आय होने का अनुमान है। इसके तहत क्षेत्रीय मंडियों में औषधीय पौधों के लिए नेटवर्क भी तैयार किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष संतरे के दाम बढ़ा दिए गए हैं। अब विभाग किसानों से 8.5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बी ग्रेड संतरे खरीदेगी। अलग अलग जिले में स्थित 54 खरीद केंद्रों के जरिए संतरे खरीदे जाएंगे। किसान इन खरीद केंद्रों पर 15 फरवरी तक अपनी फसल बेच सकती है। विभाग किसानों से बी ग्रेड संतरा, मल्टा और किन्नू 8.5 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदेगी। वहीं सी ग्रेड के लिए 8 रुपये और किसी और भी श्रेणी के गलगल के लिए 7 रुपये प्रति किलो किसानों को दिए जाएंगे। किसान भाइयों, कृषिफाई खेती समाचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।